देख डीजल, तेरे को एक प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन। कभी भी कैट को चेस कर रहा है तो हमेशा क्या ध्यान रखेगा? ऑलवेज रन टूवर्ड्स द कैट। गुड बॉय। ऑल राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, द डॉग एंड द कैट चेज प्रॉब्लम। तो कैट इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ अ स्पीड यू, ये हमेशा सीधे स्ट्रेट लाइन में यू से दौड़ रही है कैट, और इसके पीछे पीछे एक कुत्ता, ठीक है, ये इसको फॉलो कर रहा है स्पीड वी से, कॉन्स्टेंट स्पीड वी से, और इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस इज एल। तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो गिवन देखो क्या है कि कैट इज रनिंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड यू इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो कैट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड यू से सिर्फ ईस्ट में दौड़ रही है, ठीक है। एंड द डॉग इज ऑलवेज रनिंग टुवर्ड्स द कैट, तो ये कुत्ता हमेशा कैट की तरफ दौड़ रहा है, तो शुरू में इस तरफ। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द डॉग कैचेज द कैट, कितने देर के बाद ये डॉग इस कैट को कैच कर लेगा। इनिशियली डॉग वॉज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द कैट, शुरू में डिस्टेंस एल था एज शोन इन द फिगर। तो हम लोग को ढूंढना है कितने टाइम में ये डॉग इस कैट को कैच करने वाला है। तो पहले हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि ये सिचुएशन दिखेगा कैसे। कैट तो स्ट्रेट लाइन में दौड़ रही है, लेकिन डॉग का जो पाथ कर्व होगा वो प्लॉट करते हैं। तो आइए फोकस कीजिए इधर, तो मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा आइडिया देने के लिए। ये कैट का रास्ता है, ये डॉग का। तो अभी शुरू में कैट जब यहां पर है और डॉग इधर है, तो डॉग की वेलोसिटी कैट की तरफ है, ठीक है, डॉग उसको फॉलो कर रहा है वी वेलोसिटी से। अब कैट सपोज करो थोड़ा आगे यहां पर आ गया, डॉग भी उसको पीछे करते करते कहीं ऐसे यहां पर आ गया होगा डॉग। तो अब डॉग की वेलोसिटी इस तरफ है क्योंकि वो कैट को हमेशा फॉलो कर रहा है, तो इसलिए डॉग का पाथ देखो कुछ ऐसा एक कर सा बनने वाला है, और फाइनली जाकर यहां पर कैट और डॉग दोनों मिल जाएंगे। मतलब कि थोड़ी देर में कैट अगर यहां पहुंच गया, ठीक है, तो इस वक्त डॉग कहीं यहां पहुंचा होगा जिसकी वेलोसिटी कैट की तरफ है। तो डॉग देखो हमेशा कैट की तरफ दौड़ रहा है, शुरू में डॉग बिल्कुल कैट की तरफ ऊपर दौड़ रहा है, फिर डॉग कैट थोड़ा आगे बढ़ा यू स्पीड से जा रहा है, तो डॉग यहां पहुंच गया तो देखो उसको फॉलो कर रहा है, फिर कैट थोड़ा सा और आगे बढ़ गया यहाँ पर, तो डॉग यहाँ पहुंचा इसकी वेलोसिटी कैट की तरफ है, कैट कहीं यहाँ पहुंचा डॉग कहीं यहाँ आया होगा और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैट की तरफ है। तो ये वाला पाथ है पाथ ऑफ द डॉग, वो एक कर्व हो गया। तो लिख देता हूं मैं, तो डॉग इस तरीके का एक कर्व पाथ फॉलो करता है ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया पाथ ऑफ द डॉग, और कैट तो अपना सीधा 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 ऐसे जा रहा है। अब हम लोग को ढूंढना है इस केस में कि कितना टाइम लगेगा। तो अब हम लोग सिचुएशन समझ गए क्या है कि डॉग हमेशा कैट को फॉलो कर रहा है, कैट हमेशा स्ट्रेट लाइन में दौड़ रही है, और हम लोगों को ढूंढना है कितने टाइम के बाद डॉग कैट को पकड़ सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे सपोज करते हैं कि मान लो डॉग यहां पहुंच चुका है और ये अभी टेंजेंशियली दौड़ रहा है वी वेलोसिटी से, और इसका मतलब इस वक्त कैट बिल्कुल यहां पर है क्योंकि डॉग हमेशा कैट की तरफ दौड़ता है। अब देखो डॉग की वेलोसिटी वी है, और सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, तो डॉग की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में कितनी होगी अलोंग एक्स। अगर ये वी है और ये थीटा है तो हमें डॉग की वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन में, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया ईस्ट को। तो यहां पर अलग से चाहो तो ब्रेक कर देता हूं, डॉग की वेलोसिटी वी है, हॉरिजॉन्टल से एंगल मैंने थीटा माना है, तो एक्स कंपोनेंट अगर देखोगे इस तरफ वाला तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। तो वेक्टर का रिजॉल्व करना सबको आना चाहिए, हाइपोटेनियस वी है एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ वाला कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया वी कॉस थीटा, और वाई वाले से भी हमें मतलब नहीं है। तो वेलोसिटी जो एक्स कंपोनेंट में है वो है वी कॉस थीटा। v को क्या लिख सकते हैं, v इज नथिंग बट dx बाय dt, तो dx बाय dt इज इक्वल टू v cos थीटा। तो यहां से आया dx इज इक्वल टू
वी कॉस थीटा इंटू डी टी। अब देखो जब डॉग करते 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 यहां पर फाइनली पहुंच गया कि यहां पर कैट और डॉग साथ में है, तो अब इस चीज को देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस जो लिख रहा हूं अभी मैं, ये डिस्टेंस दिस इज एक्स इज इक्वल टू कैट की स्पीड यू इंटू टी। तो टी टाइम में अगर पहुंचते हैं दोनों यहां पर साथ में, कैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स इज इक्वल टू यू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, कैट ने इतना ट्रेवल किया। और डॉग को देखो, डॉग भले ही ऐसे कर्व में गया हो, ठीक है यहां तक गया, लेकिन अगर डॉग ने भी कैट को पकड़ा तो डॉग एक्स में तो वही डिस्टेंस ट्रेवल किया यू टी। देखो डॉग की वेलोसिटी इस तरफ है, तो डॉग जा रहा है ऐसे, ठीक है ये कर्व हुआ, लेकिन फाइनली जब इसको पकड़ा, डॉग पहले यहां पर था और अब यहां पहुंच गया, तो डॉग भी एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यू टी। तो इस फैक्ट को यूज करने वाले हैं। देखो तो हम लोगों ने यहां तक अभी देख लिया है कि dx इज इक्वल टू वी कॉस थीटा dt हो गया। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, तो dx मुझे x दे देगा विच इज नथिंग बट v इंटीग्रल cos थीटा dt, और x की वैल्यू क्या है तो देख लेते हैं, x की वैल्यू है ut के बराबर, कि जो ut था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग सेम होगा। कंफ्यूज मत हो, फिर से बता रहा हूं कि अगर डॉग ने कैट को पकड़ लिया तो ध्यान से देना, यही चीज समझने वाली चीज थी। तो जब पकड़ लिया है डॉग ने कैट को, तो डॉग यहां से यहां पहुंचा, तो डॉग ने भी डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल एक्स किया है और कैट ने भी एक्स ट्रेवल किया है, बस एक्स्ट्रा डॉग ने वाई में भी कुछ किया है डिस्टेंस एल, एक्स का डिस्टेंस ट्रेवल दोनों का क्या है सेम है, तो बस वही फैक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू वी इंटीग्रल कॉस थीटा डीटी, और एक्स की वैल्यू यूटी थी, तो यहां लिख देता हूं यूटी इज इक्वल टू वी इंटीग्रल कॉस थीटा डीटी। अब ये क्यों कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, बट ये कर सकते हैं अभी वो समझ लो। तो यूटी बाय वी इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस थीटा डीटी। ये इंटीग्रेट करना मुश्किल है क्योंकि देखो यहां पर कॉस थीटा, थीटा वेरिएबल है और ये डीटी है, तो इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, बट इसका रिजल्ट क्या आएगा यूटी बाय वी, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब इसको मैं बॉक्स बना लेता हूं कि इसको यूज करने वाले हैं कि इंटीग्रल कॉस थीटा डीटी इज यूटी बाय वी। चाहो तो रिकैप ले लो, किसी भी इंस्टेंट पे डॉग की वेलोसिटी वी कैट की तरफ दौड़ रहा है, एंगल थीटा मान लिया मैंने वेरिएबल, एक्स कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा, तो वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में वी कॉस थीटा लिखा, v को लिखा dx by dt, dx by dt is v cos theta, dx इधर रखा dt इधर ले गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, v कांस्टेंट था बाहर निकाला, इंटीग्रल cos theta dt, x को ut लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैट इन x डायरेक्शन, तो x को मैंने ut लिखा, ut इज इक्वल टू v इंटीग्रल cos theta dt, और इंटीग्रल cos theta dt की वैल्यू आ गई ut by v, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। आओ तो जो रिजल्ट आया था मैं पहले लिख देता हूं, रिजल्ट आ गया था इंटीग्रल cos थीटा dt इज इक्वल टू ut डिवाइडेड बाय v। तो ये रिजल्ट एक आ चुका है। अब हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, तो वो देखो क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे फिर से पाथ बना लेता हूं मैं, यहां पर है डॉग जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v से दौड़ रहा है, इसका मतलब कैट यहां पर है जो कि u वेलोसिटी से आगे की तरफ दौड़ रही है, और हम लोगों ने ये वाला एंगल थीटा लिया था, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंगली ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो डॉग v से जा रहा है, कैट u से इस तरफ, ये दोनों एंगल थीटा है। तब एक कंसेप्ट होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, कि किस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अप्रोच कर रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख देता हूं उसके बारे में। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो डॉग और कैट को लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब किस वेलोसिटी से कोई किसी को अप्रोच कर रहा है, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो ये v से जा रहा है, इसी के अलोंग है, लेकिन कैट u से इस तरफ जा रहा है, तो मुझे कैट के वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसके लाइन के अलोंग। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो इसकी वेलोसिटी तो v है, लाइन के अलोंग ही है, और कैट की वेलोसिटी u है इधर थीटा में, तो u का कंपोनेंट लेना है मुझे अलोंग दिस लाइन।
तो वापस से ये हाइपोटेनियस, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा। तो अब देखो डॉग इस लाइन के अलोंग v से फॉलो कर रहा है और कैट इस लाइन के अलोंग u cos थीटा से भाग रही है। तो v से इधर जा रहा है, ये u cos थीटा से भाग रही है, तो कितने से अप्रोच कर रहा है, v माइनस u cos थीटा। देखो डॉग v से अप्रोच कर रहा है और कैट इस लाइन के अलोंग u cos थीटा से भाग रही है। तो इसका मतलब डॉग v से अप्रोच किया और ये u cos थीटा से भाग गई, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा इस केस में वो कितना आ जाएगा, v, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, u cos थीटा। डॉग ने v से अप्रोच किया कैट की तरफ, ये कैट है, डॉग v से अप्रोच कर रहा है लेकिन कैट इस लाइन के अलोंग u cos थीटा से आगे जा रहा है, आगे जा रही है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v माइनस u cos थीटा। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी हैव v माइनस u cos थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लिख सकते हैं dl बाय dt और l इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लिखा मैंने dl बाय dt इज नथिंग बट v माइनस u cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच dl बाय dt, l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, l रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वेलोसिटी इज dl बाय dt इज v माइनस u cos थीटा। अब बस आगे इंटीग्रेट करते जाओ, dl इज इक्वल टू v माइनस u cos थीटा इंटू dt, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अब dl को इंटीग्रेट करेंगे तो l था डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस इनके बीच का l था और फाइनल जब मिल जाएंगे दोनों, अभी देखो स्टार्टिंग में इनके बीच का डिस्टेंस जो है, स्टार्टिंग में इनके बीच का डिस्टेंस l है और फाइनली जब एक जगह कहीं मिलेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनिशियल डिस्टेंस l मान सकते हो या डिस्टेंस l और फाइनली जब मिलेंगे तो डिस्टेंस जीरो। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ dl डिस्टेंस बिटवीन देम को लिख देता हूँ सीधा l, और ये हो जाएगा इंटीग्रल v dt माइनस इंटीग्रल u cos थीटा dt। स्पीड ऑफ डॉग कांस्टेंट है तो l इज इक्वल टू v t हो गया माइनस u इंटीग्रल cos थीटा dt। तो ये जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है इंटीग्रेट करना cos थीटा dt को, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। देखो थीटा अलग वेरिएबल है, dt अलग है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ढूंढ रखा था, ये इंटीग्रल cos थीटा dt इज u t बाय v। तो इसको सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग नीचे, तो l इज इक्वल टू वी टी माइनस यू और इंटीग्रल cos थीटा आ गया था u t बाय v। अब बस कुछ नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करते जाओ, तो वी टी माइनस यू स्क्वायर टी बाय वी, वी एलसीएम ले लें, l इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी माइनस यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय वी, तो टाइम इज इक्वल टू वी एल बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो ये रिजल्ट है काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद रखोगे कि टाइम टू कैच इज वी एल बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और कितने डिस्टेंस के बाद पकड़ेगा, तो देखो तो यहां पर कैट और डॉग भी आ चुका है, ठीक है, कैट और डॉग दोनों मिल चुके हैं, कैट डॉग ऐसे से बात फॉलो करते हुए आया, तो जो टाइम लगा वो तो हम लोगों को आ गया वी एल बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और कितना डिस्टेंस चला, तो कैट ने डिस्टेंस चला है x, और x क्या था u इंटू टी, स्पीड ऑफ कैट इंटू टाइम, ये डिस्टेंस x, तो x भी निकाल लेंगे, टाइम आ गया तो बस u से मल्टीप्लाई करो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्पीड ऑफ कैट इंटू टाइम, तो x इज इक्वल टू कर दो मल्टीप्लाई u को t से, तो u v l बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आ गया, ये टाइम आ गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काफी इनफैक्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिजल्ट सबको याद हो, ये तरीका सबको आता हो, तो एक बार फिर से देखो, समझने की कोशिश करो और कमेंट्स करो अगर कुछ डाउट हो रहा हो या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो या कुछ नहीं समझ में आ गया, तो मैं या तो कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा और या तो वापस से वीडियो को थोड़ा एडिट कर दूंगा या कुछ एक्स्ट्रा वीडियो वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, छोटा मोटा कुछ हुआ तो उसमें मैं लिख कर समझा लूंगा।
तो यही कंसेप्ट था, दो पार्ट में सॉल्व किया इसको हम लोगों ने। मेन चीज था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के अगर कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए जो थोड़े इजी वाले होते तो इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर पहले से आता है तो ये थोड़ा सा इजी होगा, बट ये एग्जाम्पल इज नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। ये एग्जाम्पल है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का एक डिफिकल्ट एप्लीकेशन क्या है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो फाइनली डॉग ने कैट को पकड़ लिया। कितने टाइम के बाद? VL by V square minus U square। Ah.